दोस्तों नमस्कार, जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, नया वैकेंसी की अपडेट निकल कर आई है। यह वैकेंसी झारखंड के जिला स्तर से निकल कर आई है, जो कि डीसी ऑफिस में वैकेंसी आई हुई है। आप सभी कैंडिडेट जो भी इच्छुक हैं इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों, क्या पोस्ट निकल कर आई है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, किस तरह से फॉर्म भरनी है, सभी तरह से आपको जो है जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, फॉर्म का नोटिफिकेशन झारखंड के खूंटी जिला से निकल कर आई है, लेकिन आप किसी भी जिला से हैं तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत बाल संरक्षण सेवाएं में वैकेंसी आई हुई है। देखिए दोस्तों, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है, जैसे कि परामर्शदाता के लिए है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, कौन से पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से पोस्ट में नहीं चाहिए, पूरी तरह से आपको जो है बताई जाएगी। परामर्शदाता के लिए देखिए, 30 से 45 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 18,536 रुपये आपको जो है पर महीना पेमेंट दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, पब्लिक हेल्थ काउंसलिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर देखिए, आपके पास काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा की डिग्री है, फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का जो है कार्य अनुभव आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी ही होनी चाहिए। अगला पोस्ट देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए है। 30 से 45 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18,536 रुपये पेमेंट मिलेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए दोस्तों, किसमें, कौन से सब्जेक्ट में, तो देखिए सामाजिक कार्य में, समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो इस फॉर्म को आवेदन, इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया, अनुभवी अभ्यर्थी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी और कंप्यूटर में दक्षता आपको होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर की जानकारी आपको जो है होनी चाहिए। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, आवेदन कीजिए। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। 21 से 35 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 13,240 रुपये पेमेंट मिलेगी। जिस भी कैंडिडेट के पास 12वीं पास किया हुआ सर्टिफिकेट है एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर देखिए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अनुभवी अभ्यर्थी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पोस्ट देखिए, आउटरीच वर्कर के लिए है। 21 से 35 वर्ष वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10,592 रुपये पेमेंट है। 12वीं पास चाहिए, अच्छा संचार कौशल आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन सभी पोस्टों में से सिर्फ परामर्शदाता के लिए ही ऐसा पोस्ट है जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी इन सभी पोस्टों में दोस्तों आपका जो है बिल्कुल आप फ्रेशर हैं, फिर भी आप फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से फॉर्म भरेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के अनुसार की जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, अंतिम तिथि 17 अगस्त है, तो फटाफट दोस्तों एक दो दिन के अंदर में ही आप जो है फॉर्म भर के भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ भेजने में भी दो दिन का समय भी लगता है, हो सकता है, ठीक है, या एक दिन भी समय लगेगी, लेकिन लगेगी तो आप 2-4 दिन के अंदर ही आप जो है फॉर्म भर के भेज दीजिए। स्पीड पोस्ट, कुरियर, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से देखिए आप फॉर्म भेज सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों स्पीड पोस्ट कीजिए, ठीक है, जो कि एक दिन से दो दिन मुश्किल से लगेगी, फॉर्म आपका जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। आवेदन करने का पता देखिए, ये इस एड्रेस पर दोस्तों आपको जो है फॉर्म भर के भेजनी है। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर देखिए फॉर्म भर के आपको जो है भेजनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए फॉर्म आपको जो है फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर लिखना है। नाम लिखना है दोस्तों, फादर नेम लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। मेल फीमेल यहाँ पर टिक लगानी है, कौन से कैटेगरी हैं टिक लगाना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, शादीशुदा है नहीं है, देखिए वही सब सिंपल चीज़ आप लोगों से देखिए मांगी जा रही है, कोई हार्ड मतलब नहीं मांगा जा रहा है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन डालिए, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल या कोई अदर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर देखिए आप अपना क्वालिफिकेशन डाल के बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब फॉर्म भरिए दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म को अच्छे तरीके से भरने के बाद इसको आप जो है लिफाफे में डाल दीजिएगा। लिफाफे में डाल करके बताए गए एड्रेस पर आप जो है सेंड कर दीजिएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको जो है बताया जा रहा है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ रेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप डालिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए सब में सेल्फ अटेस्टेड आप जरूर कर दीजिएगा, जेरोक्स में सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर डालिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा, फिर देखिए अदर क्वालिफिकेशन है तो डाल दीजिएगा, एज रिलेटेड क्वालिफिकेशन मतलब एज प्रूव करने का कोई दोस्तों क्वालिफिकेशन वाला डाल दीजिएगा, जैसे कि टेंथ का मार्कशीट हो जाता है, ठीक है, तो उसको डाल दीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कोई भी है तो यहाँ पर देखिए आपको जो है डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों डेट यहाँ पर लिखना, प्लेस देना जहाँ पर आप जहाँ से आवेदन कर रहे हैं, और सिग्नेचर यहाँ करके जो है फॉर्म भर के आप सेंड कर दीजिए।